हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता रसोई घर। तो आज लेके आई हूँ चिकन की रेसिपी। चिकन की रेसिपी तो बहुत तरीके से बनाई जाती है, तो आज मैं बना रही हूँ विलेज स्टाइल चिकन ग्रेवी। बहुत ही इजी एंड टेस्टी रेसिपी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1/2 kg चिकन लिया है। चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है, आप भी अच्छे से वॉश कर ले पहले। तो मैंने यहाँ कढ़ाई चला दिया। कढ़ाई में सरसों तेल ऐड कर रही हूँ। इस चिकन को आप सरसों तेल में ही बनाएं। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें ऐड कर रही हूँ तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च एंड जीरा, और इसे अच्छे से पकने दूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अच्छे से फोरन जो है पक चुके हैं। तो अब इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। आप चिकन के अनुसार प्याज ले। प्याज को मैंने लंबे स्लाइस में कट कर लिया है और इसे मिक्स कर लूंगी और इसे गोल्डन होने तक अच्छे से भूनूंगी। तो प्याज को बीच बीच में चलाते रहें ताकि प्याज इजली गल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्याज अच्छे से गल रही है। तो यहाँ पे प्याज को मैंने गोल्डन होने तक अच्छे से भून लिया है। इसे मैं थोड़ी देर और भूनूंगी। तो आप भी सेम प्याज को इसी तरह रख लें। यहाँ पे प्याज अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। इसमें जो मैंने वॉश किए हुए चिकन था वो ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने चिकन को प्याज में ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे चिकन को ऐड कर दिया है प्याज में। यहाँ पे मैं चिकन को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये चिकन की रेसिपी बहुत ही ईजिली बनती है, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी और तब तक भूनूंगी जब तक कि चिकन का पानी अच्छे से सूख ना जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं चिकन में पानी छूट जाता है थोड़ी देर में। तो आप चिकन को ओपन में ही थोड़ी देर भूनूंगी जब तक कि चिकन का पानी ड्राई ना हो जाए। यहाँ देख सकते हैं थोड़ी देर बाद ड्राई हो चुका है। तो इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसी के साथ मैं हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी और तब तक भूनूंगी जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन हट ना जाए। यहाँ पे इसी तरह से आप भी सेम प्रोसेस करें। ये विलेज स्टाइल चिकन है, तो गांव देहात में इसी तरह से चिकन बनाई जाती है। अगर आपको चिकन बनाने में परेशानी हो रही तो इस तरीके से आप चिकन को जरूर बनाएं, बहुत ही इजीली बन जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट एंड हल्दी पाउडर देके इसे अच्छे से भून लिया है। तो ये अच्छे से एकदम भून गया है। तो अब इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो मसाले में ऐड कर रही हूँ मिर्च पाउडर एंड धनिया पाउडर। अपने तीखा के अनुसार आप मिर्च पाउडर एंड चिकन के अनुसार मसाले ऐड करें। तो अब इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और इसे मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैं चिकन को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चिकन को मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और इसे फिर से भूनूंगी। चिकन में मसाले ऐड करने के बाद इसे अच्छे से भून ले। तो इसे मैंने थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया है। थोड़ी देर बाद फिर से इसे मिक्स कर लूंगी। यहाँ पे देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज होने लगा है, ये मसाले अच्छे से भूनने लगे हैं। बीच में आप एक दो बार चिकन को अच्छे से मिक्स करके फिर से इसे मैं कवर कर दूंगी। तो आप भी इसी तरह से बीच बीच में चेक करते रहें। तो देख सकते हैं चिकन बहुत ही अच्छे से भुन गया है एंड ये ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दूंगी। नमक मैंने पहले ऐड नहीं किया था। आप भी जब भी चिकन बनाएं तो लास्ट में नमक ऐड करें जब अच्छे से भुन जाए। इससे जो चिकन है चिकन के पीसेस टूटेंगे नहीं और चिकन भूनने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से चिकन को मैंने भून लिया है। तो अब इसमें पानी ऐड कर दूंगी। पानी आप ग्रेवी के अनुसार ऐड करें, जितना आप ग्रेवी पसंद करते हैं उस हिसाब से आप पानी ऐड करें। तो यहाँ मैंने चिकन के हिसाब से पानी ऐड कर दिया है। तो लास्ट में ऐड कर दूंगी चिकन मसाला पाउडर और इसे मिक्स कर लूंगी और इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके पकाऊंगी। आप अपने अनुसार ग्रेवी रखें। तो बीच बीच में एक बार जरूर चेक कर ले। या मैं बीच में एक बार चेक कर रही हूँ तो देख सकते हैं ग्रेवी अभी पतली है। इसे मैं मिक्स करके फिर से कवर कर दूंगी जब तक कि ग्रेवी गाढ़ी ना हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी देर बाद ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। तो देख सकते हैं प्याज भी एकदम अच्छे से गल चुके हैं एंड ये चिकन एकदम परफेक्ट हुआ है। तो गैस ऑफ कर दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।